एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का मेरा टॉपिक तिब्बत क्रीम के बारे में। आज मैं आप लोगों को तिब्बत स्नो क्रीम के बारे में बताऊंगी कि क्या काम करता है। मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या काम करता है। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं, पूरी बॉक्स में आपको दिखा दी, पूरा बॉक्स में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप देखें, कोहिनूर। तो ये आप देख रहे पूरे बॉक्स को, तिब्बत स्नो क्रीम। एंड देन इसके अंदर गाइस ओरिजिनल भी आता है, लोकल भी आता है। अब ये स्टोर से या दुकान में डिपेंड करते हैं कि वह आप लोगों को ओरिजिनल देते हैं या लोकल। अगर आप लोगों को पहचान है तो आप ओरिजिनल लेना। कितनी दफ़ा मैं जहाँ गई लेने के लिए मुझे लोकल ही मिला, लेकिन मुझे पता था कि ओरिजिनल कैसा है और लोकल कैसा है। इस वजह से मैंने कभी ख़रीदा नहीं लोकल, और मैंने ही खरीदा ओरिजिनल है। आप लोगों को दो टाइप के मिलेंगे, एक ओरिजिनल एक लोकल। ठीक है, अगर आप लोग पहचान कर सकते तो कर लीजिएगा लोकल और ओरिजिनल के, कौन सा लोकल है और कौन सा ओरिजिनल है। गाइस जैसे कि मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर देखा है, लोग कहते हैं कि आप तिब्बत के अंदर ये मिला है, एक चीज़ मिला है तो आप गोरे हो जाओगे, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इस्तेमाल कर चुकी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि मेरी स्किन में ऐसा ना हुआ हो, आपकी स्किन हो जाए, लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है तो वैसा कुछ नहीं होता। बाकी तिब्बत क्रीम इस्तेमाल करने से हाँ, इंसान की फेस थोड़ा वाइटिंग होता है, इंसान के फेस में थोड़ी वाइटिंग आती है, इसका स्किन थोड़ी ग्लोइंग होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तिब्बत क्रीम आप बहुत अर्से तक इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद ही जाके आपको अपने स्किन में फ़र्क महसूस होगा। ये आपकी स्किन में फ़र्क महसूस होगा, आपके स्किन से दाग धब्बे ख़त्म होंगे और आपकी स्किन वाइट होगी, होगी वाइट और दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे। लेकिन उससे बिल्कुल ज़्यादा वाइट नहीं होगी, हल्का हल्का सा वाइट होगा, तब आपके कलर से थोड़ा सा हल्का आपका कलर साफ़ हो जाएगा। ये दाग धब्बों को ख़त्म करता है, और ये दाग धब्बों को ख़त्म करता है, ये एक्ने को रिमूव करता है, ये एक्ने को रिमूव करता है। इसे आप नाइट क्रीम के तौर पे इस्तेमाल करें, रात को रोज़ाना आप इस क्रीम को इस्तेमाल करें। रात को आप हमेशा अपना मुंह पहले फेस वॉश से वॉश कर लिया करें, इसके बाद आप तिब्बत क्रीम इस्तेमाल करें और लगा के सो जाएं। आप रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें और सुबह उठते साथ अपना मुंह धो लिया करें। तो अगर आप रोज़ाना रात इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। आप तकरीबन इसे 3-4 महीने जितना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे इस्तेमाल कीजिए। और मैं तो इसे इस्तेमाल करती हूँ, मेरी डेली रूटीन के अंदर है, ये मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बेस्ट है, दाग धब्बों को भी ख़त्म करते हैं और कलर को थोड़ा बहुत साफ़ भी कर देता है। और ये तिब्बत क्रीम तो काफ़ी अर्से से इस्तेमाल किया जाता है, ये तो बहुत अर्से से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर केमिकल इतने हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, इसके अंदर बहुत पता नहीं केमिकल शायद हो इसके अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा केमिकल्स नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब ये हमारे स्किन में डैमेज नहीं करता, बाकी वाइटिंग क्रीम हमारे स्किन को डैमेज करते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये केमिकल तो है नहीं, केमिकल प्रूफ है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब्बत स्नो क्रीम जो काफ़ी अर्से से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी बोतल शीशे की है और लोहे का ऊपर स्टील का है, कैप है। ये आप देखें तिब्बत स्नो क्रीम, इसे मैं डेली नाइट इस्तेमाल करती हूँ। तो वन सेकेंड में अभी देखिए अंदर से बिल्कुल वाइट है, मेरे अभी दस्ताने पहने हुए तो इस वजह से मैं उनको निकाल के नहीं दिखा सकती। अब देखिए अंदर से ये वाइट क्रीम है गाइस, और इसकी स्मेल भी प्यारी है। आप इसे डेली नाइट क्रीम के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और बताएं आपके फेस में कितना फ़र्क पड़ता है कितना नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। लेकिन आप ये नहीं कर दे कि एक हफ्ते में इस्तेमाल करके और फिर चला रहे हैं कि भाई नहीं यहाँ पर फ़र्क ही नहीं पड़ा ये वो। आप एक हफ्ते में कौन सा चीज़ ज़्यादा फ़र्क करता है, अगर आप इसे डेली का करेंगे, आप डेली से इस्तेमाल करेंगे, 2-3 महीने गुजरते हैं, इसके बाद शेयर कीजिए कि आप लोगों को ये तिब्बत क्रीम स्नो तिब्बत क्रीम कैसा लगा, या आपके फेस में सूट किया कि नहीं किया, आप एक्ने को रिमूव की कि नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दी माई वीडियो और शेयर।
गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सबसे ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।